देखते हैं सामने, वहाँ हमने गाड़ी पार की है। इधर बताते हैं कि पत्थर और ऊपर मिट्टी, तो इस मकान में भी कोई ना कोई बसता होगा। कभी जो है जियो की सिम पे 1.5 GB अवेलेबल होती है, मक्की वगैरह होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये अपने माल मवेशी का जो पालन। गाइस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं मिस्टर एस खान व्लॉग, तो हम आए हुए हैं पुशाना डोक। तो आप देख सकते हैं कुछ मकान इस तरीके के यहाँ पे बनाए गए हुए हैं, जहाँ भी नज़र आएंगे आप ऊपर देख सकते हैं व्यू, और साथ में वहाँ भी मकान जो हैं, तो वहाँ भी जो घर हैं इसी तरीके के बनाए गए हुए हैं, जहाँ भी नज़र आएंगे वहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल जो दिन को हम करेंगे वो आप तक करते रहेंगे शेयरिंग। देख सकते हैं कुछ काम वगैरह कर रहे हैं, तो नीचे का भी व्यू काफ़ी मस्त है। तो ये हमारे मिठू हैं तो ये हमारा मिठू है। फिलहाल हम रोकते हैं यहीं व्लॉग को, तो आप तक करते रहेंगे शेयरिंग, बने रहें लास्ट तक। तो फिलहाल जो है हम बार्बर का काम करने वाले हैं, देखेंगे कटिंग इसकी हो पाएगी या नहीं। तो फाइनली जो है छोटे की कटिंग की, यहाँ बार्बर की शॉप कोई भी नहीं है यहाँ। अरे वैसे कहाँ सीखा क्या बार्बर, यहाँ बार्बर क्या बल्कि कोई भी शॉप नहीं। आप देख सकते हैं पहाड़ी एरिया, और ये वाला पहाड़ आप देख सकते हैं सामने, वहाँ हमने गाड़ी पार की इस पहाड़ के पीछे, वहाँ रोड है, तो वहाँ से चल के हम सीधा नीचे आए हुए। फिलहाल हम स्टे यहीं करेंगे 3 दिन, क्योंकि इस मौसम में इन जगहों पे आने का बहुत ही मज़ा आता है, और जो यहाँ पे मज़ा है वो कहीं भी आपको मज़ा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं पत्थरों के मकान और ऊपर, इधर बताते हैं कि पत्थर और ऊपर मिट्टी, तो यहाँ जितने भी घर मिलेंगे आपको इसी तरीके मिलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अभी पंचर हो गया हुआ मकान, डैमेज है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये बिल्कुल डैमेज है। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा आपको यहाँ के व्यू दिखाने थे। तो आप देख सकते हैं इधर के व्यू काफ़ी अच्छे हैं, तो इधर के एरिया पे देखें तो आपको घर इस तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ पे एक टीन डाला गया हुआ है, तो साथ में मस्जिद। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर की तरफ, बने रहे मरसत लास्ट तक के कुछ व्यू दिखाएँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सुबह जहाँ हमने ब्लॉग का आगाज़ किया था, ये मेरे बीवी के मायके का घर है, क्योंकि यहाँ 2-3 महीने के लिए आते हैं, अगर नहीं आएंगे तो ये जो ज़मीन है इनकी तो बंजर हो जाएंगी। देख सकते हैं नीचे सब्जियों वाला खेत है, तो वहाँ कड़म लगाया गया हुआ है, साथ में आलू लगाए गए हुए हैं, और वो भी मेरे ख्याल में ग्रीन हरी सब्जी है। तो पीछे देख सकते हैं, पीछे मक्की भी और पीछे भी आलू वगैरह के खेत हैं। तो यहाँ जो है आलू बहुत ही मशहूर है, और बताएँ कि अगर ये नहीं आएंगे तो ये ज़मीन आबाद नहीं बल्कि बंजर हो जाएगी, इसलिए इन ज़मीनों को आबाद करने के लिए 2 से 3 महीने के लिए इनको आना पड़ता है, तो साथ में माल मवेशी भी होता है। तो इनकी जो ज़मीन है इन पर घास मक्की वगैरह होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण ये अपने माल मवेशी का जो पालन अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि नीचे जो है सीटी और गर्मियों का मौसम होता है, घास घुस नहीं उस तरीके मैसर किया जा सकता, इस वजह से ये 2 से 3 महीने आते हैं यहाँ। तो फिलहाल हम व्लॉग को रोकते हैं यहीं पे, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। असर का टाइम, कहना क्या चाहते हो? असर का टाइम हो चुका था, अभी नमाज पढ़ी है। तो अब देख सकते हैं ये मस्जिद है, और इस तरीके का रास्ता है मस्जिद से आने जाने का, साथ में मस्जिद के बाथरूम बनाए गए हुए हैं मुँह धोने के लिए। ये मकान है बेचारे, किसी का टूट गया, शायद को आ ही नहीं रहा तभी ये बंजर पड़ गया। तो इस मकान में भी कोई ना कोई बसता होगा, कभी ये भी आबाद था। तो इसी तरह हमारे भी जो दिल है ना वो मुर्दा हो गए हुए हैं। देखिए पहले जो मकान होते थे वो कच्चे होते थे लेकिन दिल पक्के होते थे, तो अब मकान जो हैं पक्के हो गए लेकिन दिल कच्चे हो गए। यार ये बात नहीं होनी चाहिए थी, मकान जैसे पक्के हुए वैसे दिल भी पक्के रखने चाहिए थे। आज भाई भाई का नहीं है, क्या फ़ायदा यार, आज का दौर किस तरीके का चल रहा है। तो ये जो मकान है ना इनको देख के थोड़ी फीलिंग हो गई है, क्योंकि आज जो है ना हर आदमी के पास पक्के मकान है लेकिन दिल कच्चा है। यार जिस तरह के पक्के मकान है वो दिल पक्का रखना चाहिए, क्योंकि पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और दिल जो है पक्के होते थे, लेकिन वैसा अब नहीं रहा। तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी वीडियो अपलोड करनी है तो वहीं पर मिलती। पहले एक लोकेशन की तरफ आए थे, सोचा कि यहाँ एयरटेल का नेटवर्क आएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन हो ही नहीं रही। यहाँ भी वही हालात है, अब देख सकते हैं इस तरीके की कोई लोकेशन है। तो यहाँ मैंने सोचा एयरटेल का नेटवर्क आएगा तो वीडियो हमारी अपलोड हो जाएगी, लेकिन फिर वही बात हो रही है जो वहाँ हो रही थी।
तो मेरे पास जो है जियो की सिम पे 1.5 GB अवेलेबल होती है, वो आज दिन को पहले से ख़त्म हो गई, तो 2 GB जो है एयरटेल पे आती है, तो उससे मैं अपना काम जो है अपना सर्कल चला लेता हूँ। तो आज ये भी तो यहाँ बहुत बड़ा मुश्किल है सर्कल चलाना, तो यहाँ तो जियो का नेटवर्क ही चलता है, एयरटेल बहुत ही कमज़ोर है। तो फ़िलहाल सोचना ही पड़ेगा कि वीडियो कैसे अपलोड होगी, वीडियो तो आपको देनी है, तो फ़िलहाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो किसी से सिम लेना पड़ेगी, वो अपने मोबाइल में डाल के जियो की, तो वीडियो अपलोड करेंगे, बस यही रास्ता है और कुछ तो नहीं है। तो फ़िलहाल देख सकते हैं ऊपर वाली लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर रोकते हैं, आएंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए तो इजाज़त, सपोर्ट करते रहें, प्यार बरसाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाएँ, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।